पूर्व वन मंत्री रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर वनों में पौधरोपण के नाम पर सैटेलाइट के माध्यम से वनों के बढ़ने और झूठे आंकड़े जारी कर प्रदेश की जनता को छलने के आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में पौधरोपण के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में 25 लाख पेड़ लगाने के लक्ष्य को ढकोसला बताते हुए कहा कि पेड़ धरातल पर लगाने की अपेक्षा मात्र वन विभाग के दस्तावेजों तक ही सीमित लगेंगे, क्योंकि ऐसा कई वर्षों से होता आ रहा है। देश सरकार से रामलाल ठाकुर ने मांग की है कि वनों के बढ़ने के वन भूमि व निजी भूमि के अलग अलग आंकड़े जारी किए जाएं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व के आंकड़ों के अनुसार वनों की आगजनी की घटनाओं से बहुत नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा वन काटुओं के द्वारा किए अवैध कटान से वनों को बहुत नुकसान पहुंचा है, जो कि प्रदेश की जनता को सर्वविदित है। तो ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश में वन बढ़ने का भूभाग 12 वर्ग मीटर किस प्रकार से बढ़ गया है, ये बात प्रदेशवासियों की समझ से बाहर है। वन विभाग प्रत्येक वर्ष अपने दस्तावेजों में लाखों पेड़ लगाने के दावे कर रहा है, मगर वन विभाग को ये आंकड़े भी जारी करने चाहिए कि कितने और किस वर्ष कितने पौधे रोपण किए और कितने पेड़ उनमें से जीवित हैं। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक पाठशाला बाटिलू उड्रो में वन विभाग द्वारा आयोजित पौधरोपण अभियान कार्यक्रम के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अर्जुन पौधा लगाया, उनके साथ गांव के लोगों और अन्य अधिकारियों ने भी औषधीय पौधे रोपित किए। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि 20 से 24 जुलाई तक चलने वाले विशेष पौधरोपण अभियान में प्रदेश भर में करीब 25 लाख पौधे तथा धर्मशाला ब्रिज में 3 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में 5 दिनों में पालमपुर मंडल में 40,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने पौधरोपण में जिला कांगड़ा में 2,90,000 पौधे रोपित करने पर प्रदेश सरकार में प्रथम स्थान हासिल करने पर भी सभी को बधाई दी। परमार ने कहा कि सरकार ने इस उद्देश्य से अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने लोगों से वन संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में व्यापक स्तर पर सहभागिता करें। प्रत्येक गांववासी अपने आवास व आसपास की खाली पड़ी भूमि, खेतों की मेड़ों व अन्य अनुपजाऊ भूमि पर अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि हिम केयर योजना के तहत 26 लाख लोगों के लिए निशुल्क इलाज के लिए 24 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कुल 70 बच्चों में से 50 बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट करवाया गया है, जिसमें प्रत्येक बच्चे पर 5 लाख रुपए खर्च किए गए। उन्होंने सामुदायिक भवन के लिए जमीन चयन करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि जमीन की उपलब्धता होने पर इस क्षेत्र में एक बड़ा सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि थुरल से बचबाई सड़क पर न्यूगल पुल निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीटीसी ड्रो कहीं भी स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे और बेहतर करने के लिए नई व्यवस्था बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बाटलू और गदियाड़ा में 34 लाख रुपए की लागत से 2 टैंक निर्मित किए जा रहे हैं। इसके उपरांत स्वास्थ्य मंत्री ने बाटलू में मुख्यमंत्री गृह निर्माण योजना के तहत 7 पात्र परिवारों 9,10,000 रुपए तथा पशुपालन विभाग गढ़ ने NMSA योजना के तहत 13 किसानों को 1,76,000 रुपए की सहायता के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत 23 लाभार्थियों को 4,85,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की।
इस अवसर पर मंडलाध्यक्ष देशराज शर्मा, एसडीएम पंकज शर्मा, डीएफओ संजय सेन, महामंत्री चंद्रबीर पाल, अवतार राणा, दीपक नाग, जिला परिषद जोगिंदर चौहान, अशोक पुरोहित, अश्विनी पुरोहित, राजेश गग्गू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद थे। वीरवार सुबह के समय हुई तेज बारिश ने ज्वालाजी के साथ लगते क्षेत्र अम्पटियार के एक गर्भ दुकान में जमकर कहर मचाया। पूरी दुकान व घर पानी से इस कदर लबालब हुआ कि देखते ही देखते यह तालाब में तब्दील हो गया। घर के अंदर एक फुट से भी ऊपर पानी पहुंच गया था। इस बीच अंदर और बाहर का नजारा देखकर पूरा परिवार अचानक हड़बड़ा गया और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। घर के अंदर आई पानी की बाढ़ के बाद घर में मौजूद परिवार के सभी सदस्य अचानक अंदर रखे सामान को समेटने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये नाकाफी साबित हुआ। घर में पानी आने के चलते यहाँ रखा पूरा सामान पानी से भीग गया। यही नहीं, घर में लगभग तीन कमरे बने हुए थे। इन तीनों ही कमरों में पानी आने के चलते पूरा सामान भीग कर खराब हो गया। कपड़ों से लेकर रजाइयां, गद्दे व अन्य सारा सामान पूरी तरह से खराब हो गया, जिसके चलते पूरा परिवार काफी परेशान है। यही नहीं, घर में रखे कपड़े भी पानी से पूरी तरह भीग गए हैं। इसके अलावा घर के ऊपर बनी करियाने की दुकान के अंदर रखा सामान भी यहां पानी आने के चलते पूरी तरह से खराब हो गया है। घर के सभी सदस्यों ने यहां हुए नुकसान के लिए संबंधित विभाग को जिम्मेदार ठहराया है, जिन्होंने सड़क किनारे नालियां बनाने का काम किया है। परिजनों का आरोप है कि इतने वर्षों में कभी घर में पानी नहीं आया, लेकिन विभाग द्वारा यहां सड़क किनारे एक तरफ ही नालियां बनाई गई हैं, जबकि दूसरी तरफ नालियां नहीं बनाई गई हैं, जिसके कारण यहां ढलान होने के चलते पूरा पानी घर के अंदर आ घुसा है। घर के मालिक प्यारेलाल शर्मा ने कहा कि घर और दुकान में एक फुट से भी ज्यादा पानी आया है, जिससे परिवार के सदस्यों द्वारा बाल्टियों में भरकर बाहर निकालना पड़ा। उन्होंने यहां प्रशासन से मांग उठाई कि जो भी बारिश के कारण उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। उन्होंने दावा किया है कि इस पानी से उनका लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।